Recently, actress Smiley Suri in a media interaction talks about pole dancing, fitness and Me Too movement. You have to click it like, so she will click like this. No, I will click. Yeah, done? So do one thing, you will think, come this. But be careful. It will, no, she is, so, yeah, you have to kick here, just wash it here, yeah. Just one second, just try, one wash it here. Perfect, perfect, go. Ready? Go! Yeah, one more. Yeah. Take me. सो हमने देखा कि बहुत लड़कियाँ एंड लॉट ऑफ गर्ल्स वर शाय टू वेयर शॉर्ट्स एंड गंजी एंड नॉर्मल मतलब दे वर फीलिंग कॉन्शियस. तो एक सिलिकॉन पोल जिसपे मैंने काफ़ी खर्चा किया, बैंक लोन लिया और सिलिकॉन पोल्स दो मंगाए और उस पर आप सलवार कमीज में या योगा पैंट्स में या फुल कपड़ों में जैसे आपने वीडियो में देखा पोल कर सकते हैं. तो दैट इज़ फॉर देम. अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपको पोल को फिटनेस बनाने के लिए. इट इज़ अ फिटनेस मॉड्यूल और हमने उसके साथ सेल्फ डिफेंस भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें MMA, वेट लॉस, सेल्फ डिफेंस जो आज टुडे इट्स द नीड ऑफ द आवर फॉर द इंडियन वुमेन. सो यू कैन बिकम स्ट्रांग, यू कैन बिकम सेक्सी, यू कैन बिकम ब्यूटिफुल, यू कैन वेयर सलवार कमीज एंड यू कैन किक एस. ऑफ कोर्स यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. या योर इनपुट, वेल माय इनपुट फॉर दिस थिंग इज कि आप जब पोल करते हो तो पोल, जब मैंने पहली बार पोल किया था तो मुझे बहुत वो लग रहा था लाइक यार ये तो लड़कियों का काम है, लाइक हमारे लिए नहीं है, लड़कों के लिए. एंड आई एम इनटू मार्शल आर्ट्स और 22 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए नहीं है. बट जब मैं पोल पे चढ़ा और मैंने देखा कितनी स्ट्रेंथ लगती है, सो इट वाज लाइक कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक कैलिस्थेनिक्स जिसे हम कहते हैं आजकल, कैलिस्थेनिक्स लड़के बहुत कर रहे हैं, सो ये कैलिस्थेनिक्स ही समझिए आप लड़कों के लिए स्पेशली. सो फॉर मेंस, अगर आप मेंस पोल करना चाहते हैं तो इट इज़ लाइक कैलिस्थेनिक्स, अपर बॉडी स्ट्रेंथ अमेजिंग, स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ अमेजिंग होती है आपकी और आप प्लस मार्शल आर्ट्स इसमें करते हो तो वो आपको और किसी लेवल पे ले जाता है. छोटे कपड़े में अच्छा नहीं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. सो ये आइडिया कैसे है आपको और कितनी मतलब मुश्किल हुई थी? बहुत मुश्किल हुई थी यार, मेरे तो खुद के खानदान ने मुझे डिजोन कर दिया था और फिल्म्स में तो मुझे काम मिल नहीं रहा था, टेलीविज़न मुझे करना नहीं था. तो मैंने कहा मैं खुद की एक इंडस्ट्री बनाऊंगी. मैं खुद डिप्रेशन में थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जाके, और मैंने हर डांस फॉर्म किया था, सालसा, शामक के साथ ट्रेनिंग, जैज़, कंटेम्प्रेरी, बॉल रूम में मैं कम्पीट करने वाली थी, लेकिन मुझे एरियल भी किया था. कहीं ना कहीं गलती से एक जगह पे दुबई में गई थी, एरियल टीचर की जगह पोल टीचर आ गई और वो पता नहीं ये यू नो कुदरत की देन थी कि क्या था, मुझे अपनी कॉलिंग फाइंड करनी थी एंड आई फाउंड द पोल और मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा त्रिशूल मिल गया. एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू ट्रेन इन सिंगापुर. 4 महीने 8 घंटा दिन के मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद दुबई गई ट्रेनिंग के लिए. मीला मेरी टीचर आई और ट्रेनिंग की. फिर जब वापस आई और मुझे याद है मैंने एक ही पोल था मेरा, मैं अभी भी वो पोल को, वो उस पोल का नाम है काली, और मैं एक ही पोल पे लड़कियां आती गई, मतलब वो दरवाजे पे खटखटाती थी और हर लड़की का प्रॉब्लम एक ही होता था, डिप्रेशन या PCOD, थायराइड या अपने आप नॉट फीलिंग ब्यूटिफुल अबाउट देमसेल्व्स, एंड एक ही प्रॉब्लम होता था. और मैं स्टोरी देखती कि मुझे वो खुशी मिलती थी जब वो लड़की 10 या 12 क्लास के बाद चेंज होती थी पोल की वजह से. बहुत सी लड़कियों ने नए जॉब शुरू किए, नए रिलेशनशिप शुरू किए, या तो अपने हस्बैंड्स बॉयफ्रेंड्स को छोड़ दिया या तो उनसे निभा लिया, और वो हमेशा जब आके कहती हैं कि यू नो व्हाट स्माइली, ये पोल के वजह से हुआ, ये पोल के वजह से हुआ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. तो हमने फिर उसमें एक और चीज़ ऐड की कि चलो क्यों ना हम उन लड़कियों को बुलाएं जो बहुत ही शाय हैं, जैसे मारवाड़ी लड़कियां हैं या लड़कियां जो सलवार कमीज़ ही पहनती हैं. इसके लिए मैंने खर्चा करके सिलिकॉन पोल्स मंगवाए और हमने एक और जैसे एक तड़का एक और डिश ऐड करते हैं. तो हमने उसमें मार्शल आर्ट, रितेश को बोला कि मार्शल आर्ट सिखाए, और अब दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें होगी. एक थाली मिलेगी आपको जहाँ 2 इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, सर उदय देशपांडे जो मलखम सिखाते हैं. मलखम पोल की शुरुआत तो इंडिया से ही हुई है भाई, मैं तो यही बोलूँगी. मलखम हमारा इंडियन पोल है, हमारी सभ्यता में योगा हमारा था, मार्शल आर्ट यहाँ से शुरू हुआ.
हर चीज़ यहाँ से शुरू हुआ, तो हम क्यों ना वो सबको, इसलिए कैंप का नाम शक्ति है ताकि हम लोगों में शक्ति बांट सके। फिटनेस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हाँ जी, फिटनेस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर आप फिट नहीं हो, फिट हो जाओगे। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करता है। मैं हमेशा कहती हूँ, पता है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हाउ। अभी मिसेस मोना से भी मैं बात कर रही थी, जो इस जगह की ओनर है। हम कहते हैं कि अगर 60 साल की उम्र में, इट्स नॉट अबाउट बीइंग साइज जीरो, इट्स अबाउट डूइंग, आपका स्किल लेवल क्या है। अगर 60 की उम्र में आप एक कार्टविल कर सकते हो, तो कौन फिट हुआ, आप या मैं? अगर आप जैसे रितेश अभी कुछ ओल्डर लोगों को या लड़कियों को सिखा रहा है, और जब वो एक रोल या काटवीर या हैंडस्टैंड करती है, उनको जो खुशी मिलती है, या पोल पे जब वो उल्टा लटकती है, उनको जो खुशी मिलती है कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, तो वो आई थिंक दैट इज़ योर स्किल। आपके हाथ में अगर स्किल है तो आप फिट हो, आप स्ट्रांग हो। हम आपको फिट करवा सकते हैं, Shaheen also for the pole. Anyone who suffered depression, anxiety, sir, Uday Deshpande ने पिछली बार बहुत अच्छी बात की थी कि this is the age of, ये जो era है ना, depression का era है, क्योंकि we are very competitive, हम सुबह उठ के पहली चीज़ अपना फ़ोन चेक करते हैं, we're constantly on social media, ये it is a very sad time, एक time था जब cancer, diabetes और ये सब चीज़ें चल रही थी, इस वक्त depression चल रहा है, most of the time. सो दी ओनली वे टू कॉम्बैट डिप्रेशन, और याद रखिए एंग्जाइटी आपको कभी नहीं मारती। अगर आप एंग्शियस होते हो, अभी मैं एंग्शियस हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, दैट मीन्स यू वॉन्ट टू लिव इन द फ्यूचर। डिप्रेशन इज फीलिंग लो, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक रूम में बंद रहना है, मुझे ना रोना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे मरना है, दैट इज़ डिप्रेशन। मेरे पास ऐसी लड़कियाँ भी आई हैं हु हैव अटेम्प्टेड सुसाइड, और मैंने उनको बोला अभी 5 मिनट सुसाइड ज़रा डिले कर दो, 5 दिन पोल करो, उसके बाद सोचना अगर करना है। एंड 5 दिनों में वो लड़कियाँ बदल ही गई है, मिराक्युलसली, या और वो लड़की आज कुछ और है, और हम यही सोचते कि यार ये लड़की 5 दिन पहले बोलती थी, मतलब पिछले महीने इसने कहा था कि इसको सुसाइड कमिट करना है। हमने लड़कियों को दवाइयाँ लेने, मैंने दवाइयाँ ली जिसके वजह से मेरा वेट पुट ऑन हुआ, काश मैंने नहीं ली होती, काश मुझे मैं मिल गई होती वो टाइम पे। सो एनी वे, देर आए दुरुस्त आए, आई लर्न द इल इफेक्ट्स ऑफ इट। शक्ति पोल कैंप तक आई वॉन्ट टू गेट टू अ सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस, जैसा आपने कहा, एक स्किल मुझे एक्वायर करना है, मुझे भी हैंड स्टैंड पे चल, हाथ पे चलना है जैसे रितेश चलता है, और मुझे भी कुछ फ्लिप्स, बैक फ्लिप्स मारने हैं, तो वो मेरा स्किल सेट है, वो मुझे करना है, वो एक है सनक। शी इज ऑलरेडी सो फिट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं भी वो ट्रिक्स नहीं कर पाता पोल पे जो ये करते हैं, इट्स अमेजिंग। बट हाँ, अपीयरेंस के बेस पे उनका कुछ और टारगेट है, लाइक देखिए दुनिया एक शो ऑफ दुनिया है, ये सारी शो बिज दुनिया या कैसे कह सकते हैं आप, तो वो अपीयरेंस बेसिस पे शी वांट टू अचीव समथिंग एल्स, अदरवाइज शी इज द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन एज अ लेडी आई कैन सी राइट नाउ, शी कैन डू इवन कार्टव्हील्स एंड ऑल पोल पे। लेकिन जो चीज़ें करना वो बहुत आसान नहीं है, आप सब ये सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप रस्सी पे कितनी देर हैंग कर सकते हो, कुछ सेकेंड्स, 5, 7, 10 सेकेंड्स, तो ये तो 10 मिनट तक पोल पे ही घूमते रहते हैं, दैट इज़ अमेजिंग थिंग। तो ये आम, ये डांसर्स नहीं है, मॉडल्स नहीं है, एक्ट्रेसेस नहीं है, ये आम लड़कियां हैं, और इसलिए मैं उनको अपनी शक्ति फौज बुलाती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई लड़की डिप्रेशन बैटल करके निकली, कोई लड़की, कोई औरत 55-60 ईयर्स की है, कोई आईटी इंडस्ट्री से है जिसने कॉर्पोरेट यू नो ट्रॉमा झेला है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उसके साथ मीटू गिरी हुई है, एक लड़की एडवर्टाइजिंग जॉब छोड़ के घर में, मतलब शी इज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, तो ये मेरी शक्ति फौज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जिनके शायद माँ बाप, हस्बैंड ये वो अलाउ नहीं करते हैं, या और ये आते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं मेरे से, मुझे पैसे देते हैं,
और परफॉर्म करेंगे दिसंबर में इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स के सामने, तो हम बोलेंगे ये है हमारी भारतीय नारी, ये है हमारा शक्ति फौज, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और हमें ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं शोज और रियलिटी शोज पे परफॉर्म करने के लिए. बट मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, पोल इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वी विल नॉट डू इट फॉर फ्री, हमें वी विल गेट पेड फॉर इट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके मैम, अभी जस्ट आपने कहा मी टू से भी बहुत से लोग आए हैं आपके डांस ग्रुप में लर्न द डांस फॉर्म जी. सो अभी देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे जने जो बहुत सारे नाम ऐसे दिग्गज नाम आए हैं, सो मी टू के ऊपर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है, मैंने वही कहा शुरुआत में कि लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. मी टू की वजह से ही हमने ये वीडियो शूट करते वक्त आई थिंक मी टू का पूरा ये सब हुआ था. yeah. तो तब ब्रिटिश ने ही कहा था यार सब लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस वहीं के वहीं चाटा मारो. सेल्फ डिफेंस एज इन मतलब ये जरूरी नहीं कि मार्शल आर्ट सीखो आप. हाँ. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप फाइट करिए उस चीज के लिए, ऑन द स्पॉट फाइट करो ना. वहीं के वहीं आई हैड टू पुट माय फुट डाउन. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनिशिएट लो उसके बाद भी. ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है बौखला आ जाते हैं, सडन सिचुएशन आती है, आप समझ नहीं पाते हो क्या करना है, बट फिर भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए कि मैं अभी फाइट करूँ. और हम अगर बात करें ना, पता है मी टू लड़कों के साथ भी होता है. Of course, बहुत ज़्यादा लड़के बाहर नहीं आते. मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम छोड़ा है, किसी ने मेरे साथ डायरेक्टली बदतमीजी तो नहीं की. ओके अभी हमने एक्चुअली देखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई. आपने बताया तो जरूर देखेंगे वीडियो. अभी लड़के निकलेंगे मी टू के साथ, मैं बोल रही हूं. बहुत है, और हमने तो कॉर्पोरेट सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर में तो पूछा ही नहीं है. आपको पता है कितनी एयर होस्टेसेस या पायलट से परेशान है या जो कुछ है? मुझे पता है, माय फ्रेंड्स आर एयर होस्टेसेस और वो कहती है कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है. अरे हॉस्पिटल डॉक्टर्स में ये होता है. ये यही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इन द लाइमलाइट. मैं अपनी लड़कियों को वही सिखाती हूँ, वी वेयर लेस क्लोथ्स, वी आर वेरी हैप्पी विद आवर बॉडीज, बट कोई मजा लेके कोई हमारे आस पास भी भटके, हम जब पार्टी करते हैं या हम शो करते हैं, कोई हम हमारे आस पास हम खुद के बाउंसर्स हैं एक दूसरे के लिए. बट मैंने एक्ट्रेस को टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस. यस आई एग्री विद दैट, व्हिच इज नॉट राइट. उसकी आवाज दब रही है, सो व्हाट यू लाइक टू से? आई वुड जस्ट से यू नो व्हाट, सच बोलो. और अगर आपको सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ना ये सब चीजें मत करो, अपना काम दिखाओ. और अगर आप में वो बात नहीं है, हट जाओ, एब्सोल्युटली हट जाओ. किसी को बदनाम मत करो, क्योंकि उस आदमी या उस औरत की भी फैमिली है. ये इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ लोगों को, इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है, बहुत घर चलते हैं, बहुत बहुत से लोगों की आमदनी और बहुत सी लोगों की रोटी चलती है. तो आप किसी, अगर आपके साथ नहीं हुआ है ना, तो प्लीज अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए मत करो. इट इज कर्मा, कर्मा घूम के वापस आएगा आपके पास. दिवाली की मैं अपने शक्ति फौज को घर पे बुलाऊंगी. मैंने उनको कहा है हम सब साड़ियाँ पहनेंगे और साड़ी में पोल करेंगे, कोशिश करेंगे. और पटाखों के लिए बिल्कुल नो. मेरे 3 बच्चे हैं, आई एम अ क्रीचर मॉम. आई गेट वेरी अपसेट जब स्ट्रीट डॉग्स या होम डॉग्स पटाखों के लिए, आई हेट पटाखास. बट यस, हम लोग कुछ पोल करेंगे, कुछ बनाएंगे और वील जस्ट हैव फन एंड डांस. एंड आई थिंक डांस एंड पोल डांसिंग इज द बेस्ट वे टू स्टे फिट. और फिर मोतीचूर के 3-4 और काजू कतरी और खा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे. सो दैट्स ओके. लास्टली 2 सवाल. एक अभी जस्ट याद आया, थोड़े दिन पहले इमरान हाशमी जी से बात हुई थी. हाँ. तो उन्होंने कहा कि मैं स्माइली सूरी पे बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ. जो ऐसा कहा? हाँ, अच्छा, अरे वाह, रियली? हाँ. तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जिस डिप्रेशन से यहाँ तक आए हैं पोल डांस, उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं? तो रियली ये तो शॉकिंग है, मुझे नहीं पता था. मुझे तो नहीं बोलता, मेरे साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट है. रितेश इमरान को ट्रेन कर रहा है, ही इज टीचिंग हिम, एंड ही, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इमरान. ये मैं कहना चाहूंगी, वो उसने कहा था मैं पोल सीखने आऊंगा तुमसे, लेकिन मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल ऑल होने दो. तो मैंने रितेश को भेजा उसके पास, और 1 महीने से वो रितेश के साथ ट्रेन कर रहा है. और मैं शॉक्ड हूँ उसे देखकर. हम जो बात कर रहे थे ना स्किल की, के हेड स्टैंड, कार्टवील, इमरान आज सब कुछ करता है. आप ये शायद आपको नहीं पता है, और पता नहीं मुझे बताना चाहिए था कि नहीं, मैं खुशी में बता रही हूँ. बट वो आपको शॉक करेगा उस अपने स्किल्स से. तो वो भी अपने स्किल से बात कर रहा है. और एंड में मैंने उसको बोला है कि दिसंबर में, और अगर वो मेरे से प्राउड है, तो मैं कहूँगी दिसंबर में वो आके हमारा जो शक्ति पोल कैंप है उसमें पोल करे.
तो उसमें आप डेफिनेटली उनको देखेंगे बिकॉज मैंने जब उनको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफी इशू आ रहे थे लाइक ही वाज नॉट दैट फ्लेक्सिबल हालांकि वो कर रहे थे काफी टाइम से प्रैक्टिस लेकिन वो सही एक होता है ना कि आपको एक सही स्टूडेंट मिलना और आपको सही टीचर मिलना बड़ा जरूरी है सो हमें वो एक दूसरे की ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई और उसके बाद अभी उनका रिजल्ट आप देखोगे अगर वो यहाँ किक करते थे तो आज वो यहाँ किक कर रहे हैं सो दैट इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर देम वेरी गुड अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे मे बी मेरा हमारा तो कुछ प्लान ऐसा है कि अच्छे लेवल पे स्किल्स जब हो जाएंगी तो कुछ एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंसेस एंड ऑल वो हम कर सकते हैं हां ओके लास्टली माय मॉड्यूल लाइक टू गिव द मैसेज टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू लर्न पोल डांस विद दिवाली विश सो हैप्पी दिवाली यू गर्ल्स यू आर धमाकास यू आर पटाकास एंड बिकम इवन मोर स्ट्रांग बी ब्यूटिफुल बी सेक्सी कम पोल इफ यू डोंट वांट टू वेयर शॉर्ट्स एंड अ टी-शर्ट यू कैन ऑलवेज वेयर सलवार कमीज एंड पोल बट डेफिनेटली पोल फिटनेस कीजिए ये एक फिटनेस मॉड्यूल है जो आपको थायराइड पीसीओडी से बचाता है आपको डिप्रेशन से बचाता है आपको ब्यूटीफुल महसूस करवाता है एमएमए सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखिए खुद में एक धमाका बनिए कुछ कीजिए बी सेफ एंड प्लीज डोंट बर्स्ट क्रैकर्स बिकम अ क्रैकर योरसेल्फ या थैंक It's Ajay's report from Next 9 Volt.